today in the subject of the manufacturing processes, we are discussing about the unit 5. In the case of the unit 5, we will discuss about the metal finishing processes. What are the different types of the metal finishing process? And the metal finishing process is important for the assembly fit. For assembly, it is essential. For the aesthetic appeal, it is essential. For many of the parts like cylinder piston arrangement, surface finishing is essential. And the surface finishing machines are essential in the case of the any of the object. Today, we will discuss about the introduction, objectives, definitions of the metal finishing process, objectives of the surface preparation, characteristics of the surfaces, surface finishing processes, what are the different surfaces, surface finishing processes are there, and the lathe attachment used for the surface finishing. Lathe, पहले भी मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही versatile machine है. Lathe attachment क्या होगा super finishing को obtain करने के लिए, वो भी हम आज डिटेल से स्टडी करेंगे, है ना? तो क्वालिटी ऑफ द सरफेस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर टू डिसाइड द परफॉर्मेंस ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट. कोई भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, कस्टमर क्वालिटी को देखता है. कस्टमर सीइंग द क्वालिटी, क्वालिटी का सरफेस किस तरह का है उस पर देखता है. व्हाट इज द सरफेस फिनिश, इस पे देखता है. तो सरफेस फिनिश किसी भी ऑब्जेक्ट का जब तक आपको अच्छा नहीं रहेगा, कस्टमर का जो लुक है, कस्टमर का जो प्रिफरेंस है, वो उस पे नहीं आएगा. एंड द कस्टमर्स आर द किंग, एंड टुडे जो वर्ल्ड एरा, कस्टमर्स आर द किंग. सरफेस क्वालिटी अफेक्ट प्रोडक्ट परफॉर्मेंस. अगर सरफेस क्वालिटी आपका ठीक नहीं है तो ये प्रोडक्ट परफॉर्मेंस को भी आपको अफेक्ट करता है. असेंबली फिट में आपको, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया, सिलेंडर और पिस्टन के अरेंजमेंट में आपको सरफेस फिनिश बहुत जरूरी है. जब तक कि अच्छा सरफेस फिनिश नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट नहीं चल पाएगा. एस्थेटिक अपील के लिए, अच्छा लुक के लिए, कैसे पहचानेंगे कि कोई आइटम का प्रोडक्ट आपको अच्छा है, उसका आपको मतलब यही है कि उसका सरफेस फिनिश बेटर है ना. सरफेस क्या है? सरफेस यहां पे देखिए डिफिनेशन दिया हुआ है. सरफेस इज डिफाइंड बाय द एक्सटीरियर बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ इट्स सराउंडिंग व्हिच मे बी एनी अदर ऑब्जेक्ट ए फ्लूइड और सरफेस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, है ना. द सरफेस इंक्लूजेस द ऑब्जेक्ट्स बल्क मैकेनिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी. सरफेस क्या करता है? वो एक्सटीरियर बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट है जो आपको उसमें आपको यूज करता है ना. तो ये सरफेस को फिनिश होना आपको ऑब्जेक्ट के लिए जरूरी है. नॉर्मली क्या होता है, डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर स्पेसिफाइड इन द ड्रॉइंग, है ना. इस पे आपको टॉलरेंसेस आपको ड्रॉइंग में आपको मेंशन होते हैं, कितना टॉलरेंस में आपको बनाना है. अगर उतना सरफेस फिनिश में आपको सरफेस फिनिश ड्राइंग में आपको मेंशन रहता है, अगर आपने उतना में आपने नहीं बनाया, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय द परफेक्ट स्ट्रेट लाइन, परफेक्ट सर्कल्स, राउंड होल्स, एब्सोल्यूट परपेंडिकुलरिटी एंड स्ट्रेटनेस, ये सारा आपको ड्राइंग में आपको मेंशन रहता है कि कोई भी जो आपका राउंड होल है, आपको राउंड होल होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए. इतना डायमेंशन टॉलरेंस आपको एलिजिबल है, तभी आपको वेंडर लेगा, नहीं तो वेंडर आपको नहीं लेगा. आपका सिलेक्शन फॉर द वेंडर्स विल बी नॉट देयर. आपके कंपनी में अगर अच्छा सामान नहीं बनता है तो वेंडर आपको सिलेक्ट नहीं करेगा, है ना. तो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, कोई आप फैक्ट्री लगाते हैं, तो आपका पहला ये होना चाहिए कि सरफेस फिनिश आपको बेटर हो, आपको क्वालिटी आपको बेटर हो,
है ना, तो सरफेस फ्रीज क्या है, उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो जो है आज उसमें स्टडी करेंगे। तो आज की जो ऑब्जेक्टिव है, मीनिंग ऑफ द मेटल फिनिशिंग प्रोसेस एंड द सरफेस प्रिपरेशन, व्हाट इज द सरफेस रफनेस, डिफरेंट प्रोसेस ऑफ द सरफेस फिनिश, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन एंड मशीन टूल यूज्ड इन द सरफेस फिनिश ऑपरेशंस। सरफेस सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन क्या है ये, और कौन कौन से मशीन टूल आपके यूज होते हैं सरफेस फिनिश ऑपरेशन में, वो हम लोग जो है उसको स्टडी करेंगे। तो उसके पहले हम लोग कुछ जो है टर्म्स है उसका डिफिनेशन यहां पर स्टडी करेंगे। एंगुलरिटी, द एक्सटेंट टू विच ए पार्ट फीचर सच एज द सरफेस और एक्सिस एट ए स्पेसिफाइड एंगल रिलेटिव टू द रेफरेंस सरफेस, इफ एंगल इज मेंटेन 90 डिग्री इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलरिटी। If the angle is maintained exactly 0 degree, it is called parallelism. ये आपको angularity का आपको definition, the extent to which a particular feature such as a surface or axis are at a specified angle. ये angularity का आपको definition है। दूसरा circularity, for a surface of revolution such as a cylinder, circular hole, cone, circulating is the degree to which all the points on the intersection of the surface and the plane perpendicular to the axis of the revolution are equidistant from the axis. कोई भी से ऑब्जेक्ट को सिलिंड्रिकल होना, सर्कुलर होना, कोन होना, ये इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से कितना इक्विडिस्टेंट है उसको सर्कुलरिटी बोलते हैं। For a sphere, circularity is the degree to which all the points of the intersection of the surface and the plane center, it is called roundness. And equidistant from the axis. ये एक line में आपको circularity का आपको distance आपको clear हो जाता है, ये axis से कितना दूर है, है ना? Concentricity, the degree to which any two or more part feature such as cylindrical surface and a circular hole have a common axis. Common axis से कितना दूर है आपको cylindrical surface, circular hole, ये आपको concentricity का आपको बताता है. Cylindricity, the degree to which all points on a surface of the revolution such as cylinder are equidistant from the axis of the revolution. Equidistant from the axis of the revolution, ये आपको cylindricity को बताता है, कितना cylindricity है, कितना concentricity है, कितना flatness है, कितना straightness है, ये आपको surface का आपको जानना आपको जरूरी है। Flatness, the extent to which all points on a surface lie in a single plane. Single plane में object flat है कि नहीं है, all the points on the surface lie on the single plane है कि नहीं है। Straightness, the degree to which a part feature such as a line or axis is a straight line, it is a straightness, है ना? ये आपको straightness है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, surface are very important for the commercial region, ये आपको surface आपको important है किसी object का। दूसरा also for the technical region, किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस जितना आपको स्मूथ रहेगा वो ऑब्जेक्ट उतना मजबूत होगा, कहीं पे नोच आएगा तो आपको ब्रेकिंग वहीं पे होगा। टेक्निकल रीजन से भी आपको ये आपको इंपॉर्टेंट है ना? एंड द मेन ऑब्जेक्टिव जो आपको सरफेस फिनिश का है, ये आपको यहां पर आपको बताया गया है। All smooth surfaces which are free from the scratches and blemishes provide good aesthetic appearance. Good aesthetic appearance के लिए, good looking के लिए, आपको सभी surfaces को scratches free होना चाहिए, blemishes free होना चाहिए, तो आपको आपको अच्छा दिखेगा। This will add value to the product and give a favorable impression to the customer. कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को ओरिएंट करने के लिए,
सरफेस जो है आपको एस्थेटिक अपीयरेंस किसी भी आइटम का, किसी भी प्रोडक्ट का, वो आपको जरूरी है कस्टमर को अट्रैक्ट करने की। दूसरा, स्मूथ सरफेसेस फ्री फ्रॉम द स्केचेज एंड द शार्प कॉर्नर एंड एजेज गिव सेफ्टी टू द यूजर। ये सेफ्टी देता है। अगर शार्प कॉर्नर नहीं है, शार्प कॉर्नर रहने से क्या होगा, आपके हाथ में कट जाएंगे, है ना, लेबर के वर्कर के हाथ में कट जाएगा, आपको स्क्रेचेज रहने से आपको सेफ्टी नहीं देगा। अगर आपको स्मूथ सरफेस है किसी ऑब्जेक्ट का, तो आपको सेफ्टी टू द यूजर्स आपको प्रोवाइड करता है ना, ये आपको बेनिफिट है। दूसरा है, तीसरा है, फ्रिक्शन एंड वियर ऑल्सो डिसाइडेड बाय द सर्फेस कंडीशन। सर्फेस कंडीशन से फ्रिक्शन एंड वियर आपको डिसाइड करता है। In case of the mating parts, the mating surfaces should be perfectly finished to provide wear and energy loss due to the friction. है ना? Friction कितना है? ये आपको surface finish पे आपको depend करता है। अगर surface finish आपको better है, तो coefficient of friction भी आपको आपको कम रहेगा। वियर कितना होगा ये भी आपको सरफेस फिनिश पे आपको डिपेंड करता है। अगर सरफेस फिनिश बेटर है, तो आपको फ्रिक्शन एंड वियर पे आपको डिपेंड करेगा। जो मेटिंग पार्ट्स है, जो आपको परफेक्टली फिनिश है, आपको वो अवॉइड करेगा आपको आपको वियर में, है ना, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। आपको जो फोर्सेस लग रहे हैं फ्रिक्शन में, वो आपको हटाएगा। तो फिर आपको फ्रिक्शन एंड वियर के लिए भी आपको सरफेस फिनिश होना आपको जरूरी है। And the fourth important thing is the good quality and the surface improve mechanical and the physical property. Mechanical property को भी improve करता है। अगर scratches नहीं है ना, तो वो जल्दी उसमें breakage भी नहीं आएगा। जहां पर scratches होता है, जहां पे notch होता है, वहीं पे किसी part में आपको breakage आता है। तो जो mechanical property है, उसको भी improve करेगा, physical property है, उसको भी improve करेगा। अगर आपको good quality surface है, तो ये सारे काम करेगा, है ना? Any surface flow can act as a point of the stress concentration. अगर कहीं पे भी नॉच आ गया है, सरफेस में आपको डिफेक्ट आ गया है, तो वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन का काम करता है और वहीं पे ब्रेकेज होता है, है ना? तो इससे आपको मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों आपको इंप्रूव करता है और आपको आपको बढ़ाता है, है ना? A slightly rough surface having uniform and constantly maintained value of the surface roughness provides anti-glazed property to the same, है ना? ये आपको anti-glazed property आपको provide करता है, है ना? तो smooth surfaces improve capability to make good electrical contacts. ये good electrical contact में भी आपको help करता है। ये आपको reason है। These are the objective for the better surface preparation. बेटर सिर्फ सरफेस प्रिपरेशन के लिए ये आपको रीजन है कि क्यों आपका सरफेस आपको बेटर होना चाहिए। यही आपका रीजन है, यही इसका एडवांटेज है, है ना? करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द सरफेसेस, देखिए यहां पे सरफेस को बारे में आपको यहां पर आपको बताया गया है। पहले फिगर को आप देखिए, यहां पर सारा चीज करैक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको डिफाइन किया गया है। ले डायरेक्शन बताया गया है, क्रेटर फॉर्मेशन आपको बताया गया है, वेविनेस स्पेसिंग बताया गया है, वेविनेस हाइट दिखाया गया है। ये आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू है किसी सरफेस का, है ना? माइक्रोस्कोपिक व्यू है किसी सरफेस का, और ये आपको यहां पर आपको बताया गया है कि कैसे आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू के बारे में आपको यहां पर आपको बताया गया है ना? Characteristics of surface include surface texture, surface integrity. It all take care of relation between the manufacturing process and characteristics are generated. है ना? ये magnified cross sectional view आपको यहाँ पर बताया गया। दूसरे जो terms हैं, उसके भी आपको यहाँ पर आपको definition आपको बताया जा रहा है कि surface roughness क्या है,
It refers to the small finite space deviation from the nominal surface that are determined by the material characteristics and the process used. थोड़ा सा आपको स्पेस डेविएशन फ्रॉम द नॉमिनल सरफेस को सरफेस सरफेस रफनेस बोलते हैं, है ना. वेवीनेस इट इज डिफाइंड एज द डेविएशन ऑफ द मच लार्जर स्पेसिंग अकरिंग ड्यू टू द डिफ्लेक्शन वाइब्रेशन हीट ट्रीटमेंट एंड अदर सिमिलर फैक्टर्स. ये आपको वेवीनेस कहलाता है, है ना. ले इज द predominant direction or pattern of the surface texture. It is the result of the आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ले का direction क्या है, आपको cracks क्या है, crater formation क्या है, waviness क्या है, waviness height, ये आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है ना. Flaws are the irregularity that occur sometimes on the surface. इसको flaws बोलते हैं. Flaws का मतलब है cracks हो गया है, scratches हो गया है, inclusion हो गया है ना, इसको flaws बोलते हैं. सरफेस रफनेस और सरफेस फिनिश को जो डिफाइन किया जाता है एवरेज रफनेस यहां से निकाला जाता है. वाई जो है वर्टिकल डेविएशन फ्रॉम द नॉमिनल सरफेस है और एल एम जो है स्पेसिफाइड लेंथ ऑन द सरफेस है, है ना. किसी भी सरफेस का ये आपको ऑन द रूट मीन स्क्वायर, है ना, आर एम एस वैल्यू आपको यहां से आपको निकाला जाता है. y का स्क्वायर डिवाइड बाय द lm 0 टू lm, ये आपको यहां पर आपको दिखाया जाता है. तो lm है स्पेसिफाइड लेंथ ऑन द सरफेस. ये जो सरफेस लिया हुआ है कहां से कहां तक का लेंथ आपने मेजर किया है उसको वो कहते हैं. दूसरा वेवनेस हाइट, y जो है आपको वेवनेस हाइट है, ये आपको फॉर्मूला में आपको यहां पर बताया जा रहा है. एवरेज रफनेस आप किस तरह निकालेंगे यहां पर आपको, यहां पर आपको माइक्रोमीटर में आपको बताया जा रहा है ना. ये आपको एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ द लेंथ एफ्टर इट्स मेजरमेंट. दिस इज द सरफेस फिनिश, एवरेज सरफेस फिनिश, है ना. सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस जो जो मशीन से यूज होती है, जो फिनिशिंग प्रोसेस आपको यूज होता है, ये आपको चार प्रोसेस है जो आपको यूज होता है. ये चारों मशीन्स के बारे में आपको कंपैरिजन आपको दिखाया गया है ना. ग्राइंडिंग मशीन जो सरफेस फिनिश के लिए यूज होता है, लैपिंग मशीन लैपिंग ऑपरेशन सरफेस फिनिश के लिए यूज होता है, होनिंग मशीन सुपर फिनिशिंग. ये चारों का आपको और इसके टॉलरेंसेस कितना अवेलेबल होगा वो इसमें आपको दिखाया गया है. कितना टॉलरेंस तक देखिए, ग्राइंडिंग में आपको कम मिलेगा, उसके बाद लैपिंग में मिलेगा और लैपिंग और होनिंग में बराबर मिलता है, सुपर फिनिशिंग में उससे ज्यादा बेटर सरफेस मिलता है. रफनेस भी माइक्रोन में आपको यहां पर आपको बताया गया है ना, है ना. ये चार जो प्रोसेस है, ये चारों के आपको कंपैरिजन आपको टॉलरेंस और रफनेस आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है ना. ये आपको सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन का ये आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है. तो इसमें पहला प्रोसेस है होनिंग. होनिंग मशीन जहां पर सिलेंडर तैयार होता है, सिलेंडर और पिस्टन तैयार होता है, वहां पर आपको होनिंग मशीन का यूज होता है. ये देखिए होनिंग मशीन आपको दिखाया गया है. ये जो पोर्शन है ना, ये जमीन के अंदर रहता है. ये जो होनिंग कई होनिंग मशीन मैंने आपको देखा हुआ है, ये आपको जमीन के अंदर रहता है. ये फ्लैट सरफेस से आपको नीचे रहता है. और ये जो है ना, ये आपको एक दो तीन चार जो दिखाए जा रहे हैं ना, ये आपके एब्रेसिव्स हैं, होन्स हैं, इसको होन्स बोलते हैं. देखिए ये आपको यहां पर आपको ये दिखाया जा रहा है. ये जो चीज है ना, इसका आपको टॉप व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है. ये अंदर जाता है और चारों तरफ ये राउंड लगाता है, राउंड लगा करके फिर ये बाहर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, है ना. ये जो आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है होनिंग टूल इन इट्स ऑपरेशन, आपको यहां दिखाया जा रहा है. ये आपको होनिंग टूल है, ये रोटेटरी मोशन लेता है. देखिए चार दिखाया हुआ है, एक दो तीन, और उसके एक साइड में चार रहता है, एक दो तीन चार रहता है. मैं आपको
पूरा चूंकि मशीन में देखने के बाद ज्यादा क्लियर होगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट आपको फिगर से ही ज्यादा कोशिश करता हूं कि आपको पूरा मैं क्लियर करा दूं। देखिए चार यहां पे है ना हॉर्न्स है, इसको बोलते हैं एब्रेसिव स्टिक, जैसे ग्राइंडिंग मशीन का नहीं रहता हॉर्न्स, उसी तरह का आपको ये हॉर्न्स होते हैं, ये चार रहते हैं, ये चार हैं, है ना, और ये इसमें रोटेटरी मोशन होता है, ये रोटेटरी मोशन होता है, रोटेटरी मोशन होकर के वो बाहर आ जाता है और फिर ये आपको रेसिप्रोकेशन करता है ना, रेसिप्रोकेशन करता है ना, ये आपको होनिंग मशीन का आपको बताया जा रहा है। होनिंग इज ए सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन बेस्ड ऑन द एब्रेसिव एक्शन परफॉर्म बाय द बॉन्डेड एब्रेसिव स्टिक्स, ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। ये जो आपको यूज किया जाता है सिलेंडर ऑफ द आईसीएन इंजिन, बोर्स ऑफ द सिलेंडर ऑफ द आईसीएन इंजिन के लिए यूज किया जाता है, उसके बिना होगा ही नहीं, आईसीएन इंजिन का जो सिलेंडर है इसी से काम चलेगा, दूसरे ऑपरेशन में आपको फिनिशिंग नहीं होगा। हाइड्रोलिक सिलेंडर, गैस बैरल्स, बेरिंग्स, ये सारे इसी से आपको फिनिश किया जाता है ना। तो यहां पर आपको यहां आपको मूविंग पार्ट आपको होनी यूज्ड आपको दिखाया जा रहा है, कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ द बॉन्डिंग एब्रेसिव नंबर ऑफ स्टिक्स मोर देन ए डजन, ये आपको यहां पे आपको दिखाया जा रहा है। दीज आर द हॉर्न्स और स्टिक्स मेड ऑफ द हार्ड एब्रेसिव लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, और ये इंटरनल सरफेस टू बी फिनिश्ड, ये है आपको, ये आपको वर्कपीस हो गया, ये आपको रोटरी मोशन हो गया है ना, ये आपको रोटरी मोशन देता है, ये आपको रोटरी मोशन देता है, और ये जो वर्कपीस है, वर्कपीस आपका ये आपको सिलेंडर है ना, सिलेंडर का टॉप व्यू आपको दिखाया गया है, ये आपको फिक्स रहता है, ये फिक्स कर देते हैं और ये रोटेट करता है, और रोटेट करके आपको रोटेटरी मोशन होता है, रेसिप्रोकेशन होता है, फिर ये आपको बाहर हो जाता है ना। जो होनिंग का जो ऑपरेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड द लिनियर मोशन, दोनों का आपको कॉम्बिनेशन देता है। होनिंग स्पीड जो है आपको 10 सेंटीमीटर पर सेकंड रहता है, होनिंग स्पीड आपको कम रहता है, इसमें मेटल रिमूवल कम है, लोअर स्पीड्स आर लिखा भी है इसने, लोअर स्पीड्स आर रिकमेंडेड फॉर द बेटर सरफेस फिनिश, आप जितना लोअर स्पीड रखेंगे बेटर सरफेस फिनिश मिलेगा, कम मटेरियल रिमूव करेगा और बढ़िया आपका सरफेस बनेगा है ना। और किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स लाइक स्लाइट इसेंट्रिसिटी ऑफ द वे सरफेस, लाइट टैपर, ये खत्म कर देगा, लाइट टैपर को खत्म कर देगा, सिलिंड्रिसिटी को बढ़ाएगा, अभी जो डिफिनेशन आपको बताया था ना सिलिंड्रिसिटी का, ये सिलिंड्रिसिटी को बढ़ाएगा, इसेंट्रिसिटी को खत्म कर देगा, ये लेस ऑफ द सर्कुलेटिंग कैन ऑल्सो बी करेक्टेड बाय द होनिंग प्रोसेस, अगर सर्कुलेटिंग नहीं है तो आपको होनिंग प्रोसेस में आपको ठीक हो जाएगा है ना। दूसरा, जब होनिंग होता रहता है तो कूलेंट आपको इस पे आपको गिरता रहता है, द प्रोसेस ऑफ होनिंग इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय द फ्लो ऑफ द कूलेंट, फ्लो ऑफ द कूलेंट आपको उसमें गिरता रहता है, जो कि आपको स्मॉल चिप्स को वॉश करता रहता है और टेम्परेचर को टूल एंड वर्कपीस का ये आपको मेंटेन रखता है, ये आपको होनिंग मशीन है जो इसका कि आपको यहां पर आपको फिगर आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना, होनिंग ऑपरेशन है। द रोटेटरी मोशन ऑफ द हाइड्रोलिक मोटर बाय गियर ट्रेन से किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द हॉर्न्स जनरली होलिंग, ये आपको सिलेंडर जहां बनता है वहां पर आपको होनिंग मशीन का आपको यूज किया जाता है। दूसरा ऑपरेशन है आपको लैपिंग, ये आपको लैपिंग प्रोसेस है, ये आपको लैपिंग टूल है ना, ये आपको लैपिंग कंपाउंड यहां पे रखा जाता है और ये आपको वर्कपीस है ना, ये आपको लैपिंग प्रोसेस को आपको दिखाया गया है। लैपिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द एब्रेसिव प्रोसेस यूज टू प्रोड्यूस द फिनिश सर्फेसेस,
है ना। देखिए इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ऑप्टिकल लेंसेस, ऑप्टिकल लेंसेस जो बनते हैं, लेंसेस कितना आपको फाइन सरफेस रहता है वो आपको लैपिंग से किया हुआ रहता है, मेटालिक बियरिंग सरफेसेस वो आपको लैपिंग से किया हुआ रहता है, मेजरिंग गेजेज आपको लैपिंग से जो है सरफेस फिनिश किया जाता है, सरफेस प्लेट आपने वर्कशॉप में देखा होगा, सरफेस प्लेट का सरफेस बहुत ही स्मूथ रहता है वो आपको लैपिंग से किया जाता है, दूसरा जितना भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें लैपिंग का आपको यूज होता है ना। जितने भी पार्ट फैटिक लोडिंग से सफर करते हैं उसको कहा जाता है कि आप जो है लैपिंग लैप कर दीजिए तो आपको फैटिक लोडिंग नहीं होगा, है ना। The process of the lopping use bond abrasive tool and a fluid suspension heavily sized abrasive particle vibrating between the workpiece and the lapping tool. है ना? Process of the lapping यहां आपको दिखाया गया। The fluid with the abrasive particle is referred to as the lapping compound. है ना? ये आपको आपको lapping compound है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। इट अपियर्स ए चालकी पेस्ट, है ना, चालकी पेस्ट की तरह जो है सफेद पेस्ट जो है वो आपको लैपिंग कंपाउंड आपको दिखेगा। नॉर्मली जो है फ्लूड यूज किया जाता है, कंपाउंड जो है आपको ऑयल का और केरोसिन का आपको यूज किया जाता है ना, ऑयल का यूज किया जाता है और केरोसिन को यूज करते हैं, जो इसमें फ्लूड यूज करते हैं आपको उसी का यूज करते हैं, है ना। एब्रेसिव जो इसमें यूज किया जाता है लैपिंग कंपाउंड में वो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है और सिलिकॉन कार्बाइड रहता है, इसका साइज आपको 300-600 माइक्रोमीटर आपको रहता है, जो आपको लैपिंग कंपाउंड में जो एब्रेसिव यूज किया जाता है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड का होता है, ये आपको लैपिंग प्रोसेस है, है ना, तो ये इसी को लैपिंग बोलते हैं, इसी को लैपिंग बोलते हैं। आप लोगों से कई स्टूडेंट जो है हैंड लैपिंग हो सकता है मटेरियल साइंस लैब में आप लोगों ने किया होगा, हैंड लैपिंग किया होगा ये, लेकिन मशीन से किया जाता है, ये आपको लैपिंग प्रोसेस है, लैपिंग मशीन है ना, ये आपको इन फर्स्ट मैकेनिज्म एब्रेसिव पार्टिकल रोल एंड स्लाइड बिटवीन द लैपिंग टूल एंड द वर्कपीस, है ना। Lapping can be done manually, but use of the lapping machine make the process accurate, consistent and efficient. मैं आपको कह रहा था ना कि manually हो सकता है material science में कुछ student ना इसको lapping का process किया होगा, lapping process manually कुछ student इसमें किए होंगे, तो lapping आपको hand से भी किया जाता है और आपको manually machine lapping जो है आपको किया जाता है, है ना, मशीन लैपिंग में आपको फास्ट लैपिंग प्रोसेस है ना। बुडकोपिन आपको यूज होता है आईसी मशीन में, आपको इसी से किया जाता है, मैकेनिकल लैपिंग हैविंग द वर्टिकल कंस्ट्रक्शन विद द लोअर टेबल विद द ऑस्कुलेटरी मोशन, द अपर लैप इज द स्टेशनरी एंड द फ्लोटिंग व्हाइल आउट द लोअर वन रिवॉल्व्स एज द 60 RPM, स्पेशल पर्पस लैपिंग मशीन आर अवेलेबल, है ना, सच है, पिस्टन पिंस बॉल बीरिंग रेसेस ये सारे को मशीन लैपिंग से ही आपको बनाए जाते हैं, है ना। लैपिंग का क्या क्या एप्लीकेशंस है यहां पर आपको बताया जा रहा है, मटेरियल्स प्रोसेस्ड बाय द लैपिंग रेंज फ्रॉम द स्टील, कास्ट आयरन, नॉन फेरस मेटल, कॉपर, ब्रास एंड लीड, वुडन पार्ट्स मेड ऑफ द हार्डवुड कैन बी ऑल्सो बी फिनिश्ड ड्यूरिंग द वुड लैप, है ना, कि ये सारे जो मटेरियल जो है उसमें आपको लैपिंग एप्लीकेशन आपको हो सकता है, लैपिंग रिमूव्स मटेरियल एट ए वेरी स्लो रेट, भी ये वेरी स्लो रेट पे आपको रिमूव करता है, सो लैपिंग इज जनरली फॉलोड बाय द एक्यूरेट मशीनिंग ऑफ द वर्कपीस, है ना। Lapped surface are well resistant to corrosion and wear used in the manufacturing of the high precision products. And ye aapko lapping operation tha.
दूसरा है पॉलिशिंग एंड द बफिंग। पॉलिशिंग आपको तीन तरह का होता है, रफ पॉलिशिंग, फिनिश पॉलिशिंग एंड द फाइन फिनिश पॉलिशिंग, है ना। पॉलिशिंग जो है आपको पॉलिशिंग व्हील से किया जाता है, पॉलिशिंग व्हील, पॉलिशिंग व्हील जो है वो एब्रेसिव ग्रैंड रहता है आउटसाइड फेरी ऑफ द व्हील में, पॉलिशिंग व्हील। हो सकता है कोई स्टूडेंट इसको मेटेरियल साइंस की लैब में आपने देखा होगा, पॉलिशिंग किया होगा, बफिंग किया होगा। पॉलिशिंग यूज टू रिमूव द स्क्रेचेज, स्क्रेचेज को रिमूव के लिए आपको यूज किया जाता है। कोई भी मशीन में काम करते हैं ना, लेथ में काम करेंगे, सेपर में काम करेंगे, तो ना स्क्रेचेज बन जाते हैं, बर्स बन जाते हैं, पार्ट पे स्क्रेचेज बन जाते हैं, बर्स बन जाते हैं, तो पॉलिशिंग और बफिंग करके उसको फिनिश किया जाता है ना। पॉलिशिंग और बफिंग करके उसको फिट आपको सरफेस को बढ़िया बनाया जाता है। इट इज डेवलप्स ए वेरी स्मूथ सरफेस बाय मीन्स ऑफ द एब्रेसिव ग्रेन्स इम्बेडेड टू पॉलिशिंग व्हील रोटेटिंग एट द हाई आरपीएम। रोटेटिंग स्पीड इज इक्वलेंट टू द 2300 मीटर पर मिनट। द जो रोटेटिंग व्हील होता है वो सॉफ्टर मटेरियल का बना होता है, लाइक कॉनवास, लेदर और द पेपर। जो पॉलिशिंग व्हील का जो आपको व्हील होता है ना, वो सॉफ्टर मटेरियल का बना होता है, कॉनवास का बना होता है, लेदर का बना होता है, पेपर का बना होता है, है ना। इसीलिए व्हील जो है आपको काफी फ्लेक्सिबल रहता है, और फिनिश टू कैविटी एंड इंटरनल ऑफ द इंटीग्रेटेड शाफ्ट्स को वो आपको उसके लिए आपको यूज किया जाता है। ये आपको पॉलिशिंग एंड द बफिंग जो है ना, ये आपको ऑपरेशन है। Abrasive grains are bonded by gluing to the outside periphery of the wheel. After the abrasive have been worn down, then wheel is replaced with the new grids. है ना? जो grid size है, grid size के कारण इसको तीन part में आपको divide किया है। Rough polishing, इसमें grid size आपको 20-80 रहता है। Finish polishing, उसमें grid size 80-120 रहता है। और fine finish आपको 120 से आपको above रहेगा। ग्रिड साइज है ना, और आपको फाइन फिनिशिंग प्रोसेस ऑयल टेलो और बी वैक्स यूज्ड एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट। जब जो आपको पॉलिशिंग करते हैं ना, तो आपको ऑयल, प्रोसेस ऑयल यूज कर सकते हैं, टेलो यूज सकते हैं, बी वैक्स, ये सारा जो है आपको उसमें पॉलिशिंग में आपको यूज कर सकते हैं। है ना, ये आपको पॉलिशिंग के बारे में आपको बताया गया है। पॉलिशिंग से आपको, पॉलिशिंग और बफिंग से आपको जो है सरफेस फिनिश आपको बेटर हो जाता है ना। पॉलिशिंग टूल, पॉलिशिंग जो है हाथ से भी किया जा सकता है, बट फॉर द मास प्रोडक्शन आपको सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक पॉलिशिंग मशीन आर अवेलेबल। एब्रेसिव पार्टिकल्स आर Al2O3 और द डायमंड। कैरियर ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, पॉलिश सरफेस मे बी बफ्ड टू ऑब्टेन ए फाइनर सरफेस। ये एब्रेसिव पार्टिकल क्या हुआ सर? एब्रेसिव पार्टिकल जो व्हील रहता है ना, व्हील में ये आपको यहाँ पर, हम आपको, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ये जो सारे मशीन्स है ना, ये सारे एक ही कैटेगरी के हैं। ये जो यहाँ पे दिखाया था ना होनिंग में, देखिए ये होन्स में ये एब्रेसिव पार्टिकल्स रहते हैं, स्टिक्स रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं। ग्राइंडिंग व्हील आपने देखा है ना, ग्राइंडिंग व्हील भी तो इसी का जो है एक जो है वो टाइप है। तो ग्राइंडिंग व्हील आपने देखा होगा, तो उसमें एब्रेसिव्स रोते हैं, और एब्रेसिव जो रोते हैं वो बॉन्डेड रहते हैं, है ना। अरे सर, वो बफिंग, बफिंग जो होता है, हाँ हाँ, तो उसमें सर सिर्फ बफिंग व्हील के सहारे हम बफिंग कर सकते हैं या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मैंने तो
सर मैंने तो देखा है सर, मेरे यहाँ भी होता है, तो उसमें सर हाँ बहुत सारे पाउडर लगते हैं, सोप वगैरह लगते हैं फिनिशिंग के लिए, तो वो सब उससे चीज की क्या जरूरत है, क्यों नहीं, लगाते पाउडर हैं? तो यहाँ तो बता रहा है ना कि ये लेपिंग कंपाउंड चाहिए, लेपिंग कंपाउंड चाहिए बता रहा है ना यहाँ पे, जी तो लेपिंग कंपाउंड देंगे तभी तो आपका बेटर सरफेस फिनिश होगा। मटेरियल साइंस में बहुत अच्छा स्टूडेंट किए होंगे, तो जब तक कि आप जो आप देखते होंगे कि किसी सरफेस को फिनिश करने के लिए जो है पाउडर देंगे, पाउडर के वो फिर उसके बाद उसको फिनिश करेंगे तभी आपको बेटर जो आपको आपको फिनिश आएगा वो, है ना। तो ये लैपिंग जी कंपाउंड का उसमें यूज किया जाता है, उससे जो है आपको बेटर हो जाता है। और सॉप वगैरह क्यों सर, साबुन वगैरह जो होती है उसका यूज क्यों करेंगे हम, हाँ वो वही सब भी लैपिंग यूज होता है कंपाउंड है, वो लैपिंग कंपाउंड है, एक तरह का वो लैपिंग भी। कंपाउंड है। लैपिंग कंपाउंड वो के यूज करने से आपको जो है लैपिंग टूल होगा, लैपिंग कंपाउंड होगा, तो उसके यूज करने से आपको जो है तो आपको बेटर हो जाएगा। तो ये कह ही रहा है कि आपको ये चौकी पास्ट होता है, आपको चौक की तरह पेस्ट बनता है ये लैपिंग कंपाउंड, तो उसके करने से आपको आपको बेटर जो है आपको सरफेस फिनिश आएगा, है ना। ठीक पहले आपका अटेंडेंस ले लें, नहीं तो फिर टाइम खत्म हो जाएगा, पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। अमन सिंह 6G 6 इज प्रेजेंट, आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट, जतिन आर्या जी 16 इज प्रेजेंट, मोहित अधाना जी 21 इज प्रेजेंट, नितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट, रोहित कुमार जैन जी 35 इज प्रेजेंट, साकिया जी 18 इज प्रेजेंट, शुभम कुमार राणा जी 31 इज प्रेजेंट, तुषार सैनी जी 33 इज प्रेजेंट। मैं फिर से अटेंडेंस बता देता हूं, तुषार सैनी जी 33 इज प्रेजेंट, शुभम कुमार राणा जी 31 इज प्रेजेंट, साकिया जी 18 इज प्रेजेंट, रोहित कुमार जैन जी 35 इज प्रेजेंट, नितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट, मोहित अदाना जी 21 इज प्रेजेंट, जतिन आर्या जी 16 इज प्रेजेंट, आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट एंड अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट, है ना। ये आपको लैपिंग प्रोसेस था, और आपको लैपिंग और पॉलिसी में आपको यहां पे आपको डिफरेंस बताया जा रहा है ना। लैपिंग जो है, पॉलिसिंग आपको शाइनी सरफेस प्रोड्यूस करता है, और लैपिंग क्या है, शाइनी सरफेस आपको प्रोड्यूस नहीं करता है, ये आपको यहां पे दिखा रहा है। लैपिंग रिमूव्स मेटल फ्रॉम द सरफेस टू बी फिनिश्ड वेयर इज द पॉलिसिंग रिमूव्स निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ द मेटल। पॉलिसिंग में आपको मेटल जो है आपको रिमूव नहीं होता है, लैपिंग जो है कटिंग एक्शन करता है, पॉलिशिंग जो है आपको हाई स्पोर्ट्स आर मेड ऑन द लो स्पोर्ट्स, ये आपको करता है ना। ये आपको लैपिंग और पॉलिशिंग का आपको डिफरेंस आपको बताया जा रहा सर बफिंग में तो बहुत सारे है। ये डिफरेंट देखिए टाइप के बफिंग व्हील है, भी। ये आपको बफिंग बफिंग कह रहे हैं ना, ये आपको बफिंग व्हील आपको दिया हुआ है, और परफॉर्मिंग बफिंग ऑपरेशन ये आपको यहां पर आपको दिया हुआ है ना। ये आपको फैब्रिक व्हील है, ये आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, ये आपको फिट डायरेक्शन है, ये वर्क वर्कपीस है, ये बफिंग पेस्ट जो है इसमें आपको लगाया जाता है। सर पॉलिशिंग में तो हम डिफरेंट टाइप के व्हील भी प्रयोग करते हैं ना सर, एक ही से तो टोटली पॉलिश तो नहीं हो जाता है, बहुत सारे जगह पर फर्स्ट में दूसरे हाँ टाइप का वो मैंने व्हील हम। ग्रिट दिखाया ना, ग्रिट आपको साइजेज मैंने बताया था ना, हाँ, वो तो ये जो आप ये जो ग्रिड साइज है ना, ग्रिड साइज एमरी पेपर में भी ग्रिड साइज आपको लगा हुआ रहता है, एमरी पेपर जिसे सरफेस फिनिश करते हैं ना, हाँ, बिल्कुल हाँ तो उसमें भी आपको उसमें भी ग्रिड साइज पे ही उसको जो है वहां भी वही है। तो ये ये ग्रिड साइज यही होता क्या है? ग्रिड साइज जो एब्रेसिव का जो उसमें लगा हुआ रहता है ना,
एमरी पेपर का ना, एमरी पेपर जब जब खरीदेंगे ना तो उसमें कहता है कि कितना नंबर का चाहिए, नंबर लिखा हुआ रहता है, तो उसमें जो एब्रेसिव्स लगे होते हैं ना उसको ग्रिड बोलते हैं, मोटा रहता है पतला रहता है, तो पॉलिशिंग में जो आपको ये ग्रिड पे डिपेंड करता है, ग्रिड साइज जो है किस पे डिपेंड करता है, किस तरह का आपको ग्रिड लगा हुआ है उसी पे आपको जो है ना, उसी पे आपको जो है ये आपको क्लासिफिकेशन करते हैं, रफ के लिए, फिनिश के लिए, फाइन फिनिश के लिए, ये आपको ग्रिड साइज पे आपको जो है व्हील का जो है क्लासिफिकेशन होता है वो, है ना, तो ग्रिड पे ही उसका क्लासिफिकेशन होता है ना। ये आपको बफिंग ऑपरेशन दिखाया गया है, जो बफिंग टूल्स होता है, बफिंग व्हील्स आर मेड ऑफ द डिस्क ऑफ द लाइनर्स कॉटन एंड ब्रॉड क्लॉथ एंड कैनवास, है ना, इसी का बना होता है ये कैनवास मटेरियल क्या होता है? हाँ कैनवास, ये जो आपको पर्दे वगैरह बनते नहीं कैनवास उसको बोलते हैं ना, क्लॉथ समझिए, एक तरह के, एक तरह का क्लॉथ है ये, कॉटन लाइनर्स, ये सारे जो है क्लॉथ है ये, है ना,